शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये ले, पहले तू मुमीठा कर। पहले मेरी जिंदगी में जहर खोल दिया और अब मुमीठा करवा रही हो। ये तो क्या कह रही है नवा? तूने हमेशा पढ़ाई लिखाई स्पोर्ट्स और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मुझे नंबर 2 रखा, मगर ऐसी भी क्या जलन कि जिंदगी भर के लिए तूने मुझे नंबर 2 बना दिया। जलन? जलन और मुझे और वो भी तुझसे? हाँ, मैं पूछती हूँ कि अगर तू माँ बन सकती थी तो फिर असलम से मेरी शादी करवाने की क्या जरूरत थी? मगर तूने मुझे नंबर 2 बनाने के लिए ऐसा किया, मुझे अपनी ही नजरों में गिराने के लिए ऐसा किया। नहीं नगमा, नहीं। मेरे माँ बनने की जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, तभी मैंने तेरे आगे आंचल फैलाकर औलाद की भीख मांगी थी। मैंने तेरे उम्मीद का दिया अपनी सारी तमन्नाओं को जलाकर रोशन कर दिया, और तूने उसी दिए से मेरा सब कुछ जलाकर राख कर दिया। नहीं मेरी जान, ऐसा मत कह। तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये सब झूठ है, फरेब है, धोखा है। तू मेरे लिए कभी कुछ नहीं कर सकती। तुझे जैसे भी यकीन आए, मेरा इम्तिहान लेकर देख ले नगमा। ये मत समझना कुर्बानी सिर्फ तू ही दे सकती है। तो मैं जो कहूंगी वो करेगी? हाँ करूंगी, तू कहकर तो देख। तो फिर जा, कहीं जाकर अपना बच्चा गिरा दे। क्या? क्यों, बिजलियां गिर पड़ी? मैंने तेरी खातिर अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी और तू एक बच्चा नहीं गिरा सकती? नहीं नगमा, नहीं। खुदा के लिए इतनी पत्थर मत बन। ये बच्चा अल्लाह की अमानत है, तू कुछ भी और मांग ले, पर उस मासूम की जिंदगी मत मांग, क्योंकि उसकी जिंदगी पर मेरा हक नहीं है। मेरी जिंदगी पर तेरा क्या हक था? मगर फिर भी तेरी खुशी के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो तू उस एहसान का बदला चाहती है? बदला नहीं, सजा देना चाहती हूँ तुझे। इस हवेली का वारिस सिर्फ मेरा बच्चा होगा, तेरा नहीं। रुखसार, अगर तू चैन से जीना चाहती है तो तुझे ये बच्चा गिराना होगा। वरना याद रख, आज तक तूने सिर्फ मेरी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। हेलो, कौन? हेलो असलम, नगमा कहाँ है? उसके मामूजान का एक्सीडेंट हो गया है। क्या हुआ असलम? तुम्हारे मामूजान का एक्सीडेंट हो गया? तो चलो। लेकिन रुखसार, मिठाई फिर कभी खा लेना, चलो असलम। छोड़ो भी, वो लोग आते ही होंगे, जल्दी से पट्टी बांधो। क्या हुआ मामूजान? अरे नगमा, तेरी डिलीवरी के लिए अस्पताल में कमरा बुक कराने गए थे और हो गया रास्ते में एक्सीडेंट। नवाब साहब ने तो पहले ही से अस्पताल में रुखसार के लिए स्पेशल कमरा बुक कर रखा है। तो क्या हुआ, नगमा के लिए भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में बेस्ट कमरा बुक करवाइए और बड़े से बड़े डॉक्टर का इंतजाम कीजिए। बहुत मुश्किल है असलम मियां, डॉक्टर्स मुंह फाड़ कर पैसे मांगते हैं और साथ में अस्पताल के लिए डोनेशन भी मांगते हैं। मामूजान, पैसों की क्या प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है असलमिया, नगमा बेटी के अकाउंट में कोई जा नहीं रही, मेरा मतलब है कोई माल नहीं रहा, बस ले दे के बेचारी के पास यही खानदानी मकान रह गया। जाने दीजिए मामूजान, आप हमारे लिए किसी खैराती हॉस्पिटल में ही कमरा बुक करवा दीजिए, वैसे भी हमारी वैल्यू क्या है। नगमा तुम ये क्या कह रही हो? हाँ भाई, बड़े अस्पताल तो वो जाएगी रुखसार, अब उसके नखरे उठाए जाएंगे, हमारी भांजी की क्या कदर है। अरे हमने तो पहले ही कहा था, हमारी भांजी की तकदीर में नंबर 2 बनना ही लिखा है। नगमा के लिए मेरे दिल में कितनी मोहब्बत है, आप जानना चाहते हैं? ये लीजिए ब्लैंक चेक और जितनी चाहे रकम भर लीजिए। मामूजान आप अभी जाइए और नगमा के लिए सारा इंतजाम शान से कीजिए। जाइए मामूजान। ठीक है बेटा, आप भी जाता हूँ। आज का नाम है मेरा, मैं दस्ता नहीं, निकल
दीदी जी नाश्ते के बाद आप लोग विटामिन की गोलियां गेलियां खाते तो लेको आती ना। नहीं रजिया। देखा नगमा कितनी समझदार नौकरानी रखी है मैंने। शुक्रिया साहब। अयो बाबा। कौन बाबा? ना घंटा ना दस्तक, भेड़ बकरी की तरह अंदर इस घुसे आ रही ना, देखते नहीं हमारे साथ मेम साहब नाश्ता कर रहे। कौन जी तुम्हें? तुम कौन हो बदतमीज? अजीत। अरे अरे रजिया ही हमारे मामू और मुमानी जान है। अयो अल्लाह तोबा तोबा, मुझे माफ करना जी, मुझसे गलती हो गई ना। माशाल्लाह मामू जान हसम हैदराबाद के चार मीनार की, मोमानी जान तो खातिर हसीना लग रही ना। आइए आइए आइए। अरे भाई ये नया चेहरा कौन है? नई नौकरानी है मामू जान, मगर अपनी वो जोरा भी कहाँ गई? उसके शौहर को अचानक दिल का दौरा पड़ गया तो वो गांव गई है, इसलिए मैंने नई नौकरानी रख ली। बेचारी बहुत ही गरीब औरत है। अरे बेटी गरीब ही को तो जरूरत पड़ती है अमीर बनने की। हाँ ओफो मामू जान, आप तो ख्वामखा किसी पर भी शक करना शुरू कर देते हैं। बेटी दो दिन पहले मैं बंजारा होटल में कई घंटों तक एक आदमी पर शक करता रहा, वो घूर घूर कर मुझे देख रहा था। बहुत देर के बाद मालूम हुआ कि मैं खुद ही था जो आईने में नजर आ रहा था। अरे भाई मैं उन लोगों में से हूँ जो खुद अपने आप पर शक करते हैं। नाश्ता होना मामू जान? नहीं अभी दो मिनट में बना को लाती ना। अच्छा डार्लिंग अब हम ऑफिस चलते हैं। जी आप चलिए, मैं खाना तैयार होते ही ऑफिस ले आती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ नगमा बेटी रोज लंच लेकर ऑफिस में जाया कर खुद। हाँ रुखसार का घर रास्ते में पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मोहब्बत उसको वहां खींच कर ले जाए। हाँ वो भी तो मां बनने वाली है। पास करो रुखसार, मोटा हो जाऊंगा। अरे ये तो तुम्हें बहुत पसंद है, बस एक चम्मच और। अरे मैंने, अरे नगमा आओ आओ। सलीम ये खाना कुत्तों को खिला दो क्योंकि ये तो खाना खा चुके हैं। अरे नहीं नगमा, हमने तो सिर्फ थोड़ा सा मीठा खाया, खाना नहीं खाया। भाई वाह, नंबर टू को नंबर वन बनाना तो कोई इनसे सीखे। मीठा तो हमेशा खाना खाने के बाद खाया जाता है, मगर इन्होंने मीठा पहले खिलाकर नंबर टू को नंबर वन बना दिया। अच्छा असलम तुम खाना खाओ, मैं चलती हूँ। नाराज होकर जा रही हो? अरे नहीं असलम, तुम दोनों से कैसी नाराजगी। अरे रुखसार तुम्हारे वो कंगन बनकर आ गए, इन्हें लेती जाओ। देखो असलम। कैसे लग रहे हैं मेरे हाथ में? बहुत अच्छे लग रहे हैं नगमा, इन्हें तुम ही रख लो। खुदा हाफिज। ये तो कुछ भी नहीं, बस देखती जाओ, एक दिन मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। चलो ड्राइवर। लेकिन मेम साहब मर्सिडीज की चाबी तो नगमा मेम साहब ने ले ली है, बोली गाड़ी साहब के लिए चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं। ये लीजिए। रुखसार ये क्या ऑटो रिक्शा में आई हो, गाड़ी क्या खराब हो गई? असलम को मर्सिडीज बहुत पसंद है ना दादा हुजूर, इसलिए मैं उनके पास छुड़ाई हूँ। अच्छा चल बेटी सूप पी ले। मामू जान मुझे भूख नहीं है। अरे मियाँ असलम जरा समझाओ इसे, ये माँ बनने वाली है, ऐसी हालत में भूखे पेट रहना ठीक नहीं। अगर सूप नहीं पीना है तो जूस पी लो। नहीं नहीं मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं कर रही। अगर जूस नहीं पीना तो दूध पी लो। अरे तू खड़खड़ मुंह क्या देख रही, जाकर दूध लेकर। यो पहले आप लोगों का फैसला तो करना, दूध होना सूप होना कि जूस होना। अच्छा मेरे लिए एक ग्लास दूध ही ले आओ। अब भी लेको आती ना। ये क्या किया? अजी ठोकर लग गई ना।
साहब, मैं क्या तो भी नहीं की ना, मैं कुछ नहीं की साहब, मैं कुछ। जब हमने पूछा ही नहीं, तूने क्यों कहा कि तूने कुछ नहीं किया? हाँ? नहीं नहीं साहब, मैं क्या तो भी नहीं की, कुछ नहीं। नीच सलील औरत, बता किसकी साजिश है ये, बता वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरे को ना कुमार साहब, मेरे को जाने को दो, मेरे को जाने को दो। अब तो तू सीधा कब्रिस्तान जाएगी। तूने दूध में जहर क्यों मिलाया? नगमा के साथ तेरी क्या दुश्मनी है? बोल। नहीं साहब, मेरी क्या तो भी नहीं, दुश्मनी तो रुखसार मेम साहब की है। उन्होंने मेरे को यहाँ नौकरानी बनाकर भेजी, नगमा मेम साहब को जहर देखो, उनको और उनके होने वाले बच्चे को मार डालना। बोल को झूठ बोलती हो तुम, बकती हो। रुखसार इतनी जलील हरकत कर ही नहीं सकती। कहीं को नहीं कर सकती साहब, कोई भी औरत करती। बोले तो आज जो जायदाद नगमा मेम साहब के होने वाले बच्चे के नाम है, फिर से उनकी औलाद की हो जाती ना, फिर आप भी तो उनके हो जाते ना। क्या सबूत है तुम्हारे पास? उन्हें मेरे को बहुत सारे रुपए दी साहब, उन्हें ये साहब, ये उन्हें मेरे को दी। इतना सब एक गरीब आदमी को दिए तो कौन से गरीब आदमी का ईमान नहीं डोलता साहब? ये तो नुकसान की ब्रेसलेट है। वो मामला बिल्कुल साफ है असलमिया, अब हमारी भांजी पर हमला भी होने लगा है। क्या तुम ये सारी बातें रुखसार के सामने कह सकती हो? हाउस साहब, मैं उनके सामने बोलती। खामोश। हमारी बहू कभी ऐसा जलील कदम नहीं उठा सकती। बेवकूफो, ये तो एक ऐसी नेक औरत है कि जिसके साए में अगर शैतान भी बैठ जाए तो फरिश्ता हो जाए। दादा हुजूर, बिल्ली की लाश टेबल पे पड़ी है, दूध में जहर डालने वाली आपके सामने खड़ी है, फिर भी आप रुखसार को बेकसूर समझ रहे हैं? इस औरत को खरीदा भी तो जा सकता है। क्या सबूत है तुम लोगों के पास कि इसे रुखसार ने खरीदा है? कोई और भी तो खरीद सकता है। इसे रुखसार ने ही खरीदा है नवाब साहब, और ये रहा सबूत। दादा हुजूर, ये मेरा ये ब्रेसलेट नगमा की शादी में कहीं खो गया था। सुन लिया? सुनना क्या है, सबूत के साथ पकड़ी गई तो ब्रेसलेट खो जाने का बहाना बना दिया। असलमिया, ये अपना गुनाह कबूल नहीं करेगी, बड़ी फरेबी और मकार है ये। मैं तो कहती हूँ इसे अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। नहीं नहीं असलम, ऐसा मत करना। असलम, इस पर कोई रहमत करो, तोड़ दो इससे तमाम रिश्ते नाते। हाँ हाँ, तलाक दे दो इसे। रुखसार, अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना मैं तुम्हें। नहीं नहीं असलम, नहीं, खुदा के लिए मुझे मुझे तलाक मत देना, मुझे तलाक मत देना असलम, मुझे मुझे ये गुनाह कबूल है। रुखसार। जी हाँ दादा हुजूर, नगमा को जहर देने के लिए मैंने ही इस औरत को भेजा था, मुझे अपना गुनाह कबूल है असलम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कभी तलाक मत देना, मुझे कभी तलाक मत देना। रुखसार, हम जानते हैं कि तुम बेगुनाह हो, तलाक के डर से ये गुनाह अपने सर न लो, कह दो कि ये झूठ है, सरासर झूठ है। नहीं दादा हुजूर, मैं गुनहगार हूँ, मैंने ही नगमा को जहर देने की साजिश की थी। मैं तुम्हें तलाक भी नहीं दूंगा और तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा, यही तुम्हारी सजा है। अरे नामुरादो, तुमने असलम की आंखों पर भी पर्दा डाल दिया है। मेरी बहू पर झूठी तोहमत लगाने वालों, निकल जाओ इस हवेली से, निकल जाओ। जाते हैं नवाब साहब, लेकिन याद रखिए मैं भी अजगर हूँ जो दस्ता नहीं निकल जाता हूँ। हाँ, चल, तुझे तो मैं हवारा तो बंद करवाऊंगा। चल कर लेना साहब, काय को मेरे को पकड़ दे। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।